हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टी एस में मैं टिपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं बीटा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट। हालांकि ये अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये नहीं है, लेकिन यहां से नेवरा दनियावा जो रेलवे लाइन है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो बीटा है। तो यहां से औरंगाबाद रेलवे लाइन निकलने वाली है। 4100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो देखिए कब इसका काम स्टार्ट होता है। तो अभी प्रेजेंट में टिकट काउंटर ये है जो आप देख रहे हैं, और सामने FOB है जिसपे लोग चल रहे हैं। उसके जस्ट बगल में नया वाला FOB बन रहा है और उसके पीछे भी बन रहा है। इस तरफ ये प्लेटफॉर्म है, ये नया वाला बन रहा है, और बीटा जहाँ लिखा हुआ है जिसपे लेडीज जिस साइड चल रही है उस तरफ एक है दो है। प्रेजेंट में दो प्लेटफॉर्म और 4 ट्रैक है। ये जब बन जाएगा तो 3 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक हो जाएगा। और यहाँ से आगे जा करके एक आगे में एक स्टेशन है, तो वहाँ से जो है कि एक रेलवे लाइन निकलने वाली जो 18 किलोमीटर एक के औरंगाबाद रेलवे लाइन है, बीटा औरंगाबाद रेलवे लाइन, तो वहाँ से होगी। और बीटा के बारे में बता दूँ कि ये पूरे तरीके से इंडस्ट्रियल हब है। हब इस तरफ IIT बीटा है, सॉरी इस तरफ मतलब मेरा कैमरा जिस साइड है इस तरफ NIT बीटा है, और इस तरफ कैमरा जो है इस साइड IIT बीटा है। तो सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूटें या कॉलेजें वो इसी साइड है, और इस साइड सीधे पटना है जिस साइड मेरा कैमरा जिस साइड में चल रहा हूँ। तो जो नया वाला प्लेटफॉर्म है वो बन चुका है, थोड़ा बहुत काम बाकी है। जो FOB का काम है वो भी रैम का काम चल रहा है। चलिए मैं दिखाता हूँ, अभी प्रेजेंट में यही कुछ है। टिकट काउंटर तो पीछे एक बनकर रेडी है, लेकिन पता नहीं वही टिकट काउंटर होगा या और कुछ, तो वो तो पीछे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जो नया वाला प्लेटफॉर्म है देख सकते हैं आप कि पूरी तरीके से बनकर कम्प्लीट है। ये सब जितना भी लोहे का सामान देख रहे हैं ये सब जो नया वाला 2 FOB है, एक सामने इस साइड है और एक इस साइड है जो आप देख रहे हैं। इसका भी रैम का काम चल रहा है इस साइड, और उस साइड रैम का काम हो गया है। वो दोनों साइड बाज़ार है, खाने पीने की साइड दोनों साइड मिलेगी आपको, लेकिन इस साइड यानी जिस साइड मेरा कैमरा उस साइड पटना बक्सर 4 लेन है। मेन पटना जाने के लिए आपको बड़ी गाड़ियाँ उसी साइड मिलेंगी, और सीधे जिस साइड चल रहा हूँ मैं फिर से बता दूँ दानापुर है, पटना है। तो ये सब डेवलपमेंट का एरिया है, धीरे धीरे बदल रहा है और मैं दिखाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और पीछे में अभी कुछ, तो इन फ्यूचर देखिए वही कुछ होता है या और कहीं पर टिकट काउंटर बनता है या कुछ भी। और उसी के जस्ट पीछे बहुत बड़ा टर्मिनल है यहाँ पर, कार्गो टर्मिनल, जो शिप से जो टर्मिनल वगैरह आता है तो वो इसी साइड यहाँ उतरता है, लेकिन यहाँ से दिखेगा नहीं, तो मैं सिर्फ बताने के पर्पज़ से यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं अपडेट करूँगा। और पूरा पब्लिक जो है कि वो इस साइड बसती है। तो चलिए मैं मेन FOB का काम दिखाता हूँ आपको जो काम चल रहा है। यहाँ लगभग 30 अप 30 डाउन में ट्रेनों का स्टॉपेज है। 3 ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ा है, एक टाटा का, और जो दानापुर टाटा थी वो बक्सर टाटा हो गई, एक दानापुर दुर्ग जो फिर राजेंद्र नगर दुर्ग हुई और फिर आरा दुर्ग हो गई, और एक जो है कि काशी पटना जो मड़वाड़ी के नाम से जानी जाती है, तो उसकी स्टॉपेज यहाँ बढ़ी है। तो प्रेजेंट में 3 ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ा, फ्यूचर में 3 क्या 10 का स्टॉपेज बढ़ने वाला है। तो सेट जहाँ पर था पहले तो वहाँ पर रैम गिर चुका है, और काम काफ़ी फास्ट है। ओल्ड वाला FOB पीछे है, तो चलिए देखता हूँ। पुराना वाला FOB वो है और नया वाला ये है, तो जब ये बन जाएगा पूरी तरीके से तो फिर इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। और एक तरफ रैंप और एक तरफ स्लोपिंग होता है, तो अभी जो है कि ये स्टेयर वाला है, फिर रैंप एक तरफ गिरेगा और बनेगा। स्ट्रक्चर रखा जा चुका, ऊपर में भी सेट लगाने का काम चल रहा है। चलिए कुछ उस साइड चलता हूँ और दिखाता हूँ। FOB का काम देख सकते हैं आप, जोरों शोरों से चल रहा है, उस तरफ रैंप गिरेगा फ्यूचर में। तो मैं इसका कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, इसके बाद आऊँगा तो लगता है ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म साइड अभी रैंप का काम नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म पे हुआ है, साइड में नहीं हुआ, मतलब इस तरफ जिस तरफ पब्लिक बसती है। फिर उसके बाद स्टेशन का डेवलपमेंट होगा, तो जैसे जैसे होगा मैं कंटिन्यू आप लोगों को दिखाता रहूँगा। छोटा सा अपडेट था, चलिए अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स।